साइमा नूर 5 मई 1967 को पाकिस्तान पंजाब के शहर मुल्तान में पैदा हुई। ये एक पठान बरादरी से ताल्लुक रखती हैं। साइमा नूर एक पाकिस्तानी अदाकारा हैं जो पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों में नजर आती हैं। सोशल मीडिया पर साइमा 1990 और 2000 की दहाई में पाकिस्तान की सबसे मकबूल और मरूफ फिल्मी अदाकाराओं में से एक थी। इन्होंने 20 साल की उम्र में ही पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्रीज में अपना कदम रखा। साइमा नूर को सबसे पहले पाकिस्तानी फिल्म गिरिबान में देखा गया था। ये फिल्म 1987 में फिल्माई गई थी। इसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी फिल्म खतरनाक में काम किया जिसके डायरेक्टर अकरम खान थे। साइमा नूर को फिल्म इंडस्ट्री में नगीना खानम के नाम से मुतारिफ करवाया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में साइमा नूर ज्यादातर पंजाबी फिल्मों में ही काम कर चुकी हैं। साइमा नूर को ज्यादातर शोहरत पंजाबी फिल्म चूनिया में मिली। यह फिल्म 1998 में फिल्माई गई थी। इसके बाद साइमा नूर ने और भी कई फिल्म और पाकिस्तानी ड्रामाज में परफॉर्म किया है। साइमा नूर ने पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्रीज में अपना अच्छा करियर बनाया है। यह अपनी एक्टिंग लुक और पर्सनैलिटी की वजह से लोगों के दिलों में घर कर चुकी हैं। साइमा नूर की उम्र 2023 में 56 ईयर्स है। जी हां, 56 साल। इनके शोहर का नाम सईद नूर है जो लाहौर में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं। साइमा नूर ने जुलाई 2005 में सईद नूर से शादी की जिनका ताल्लुक सईद बरादरी से था। सईद नूर की दो बीवियां थी। इनकी पहली बीवी का नाम रुखसाना नूर जो 2017 में वफात पा गई। उनको सईद नूर के साथ देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें फैलाई हैं और कहा कि ये दोनों शादीशुदा नहीं हैं और साथ में ये भी कहा कि सईद नूर ने साइमा नूर को तलाक दे दी है। तो 2007 की एक अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइमा नूर ने कहा कि हम दोनों शादीशुदा हैं और ये शादी हमने जुलाई 2005 में की और साथ ही में सोशल मीडिया पर ये क्लिप भी जारी किया कि हम दोनों खुश हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। दोस्तों, आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल इरफान इन्फो टीवी को सब्सक्राइब भी कर दें।